तो जितने भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुनाहगार इस दौर में है या नहीं है, या दुनिया बिल्कुल पाको साफ हो गई है, कोई गुनाहगार नहीं है और भी कुछ नहीं है, तो झूठ तो बहुत ज्यादा है। झूठ भी ना हो तो गीबत ज्यादा है, गीबत को भी हटा दीजिए तो हसद ज्यादा है। तो ये गुनाह है या नहीं है? उसके अलावा शराब भी पी जा रही है, उसके अलावा जितने भी दूसरे नबियों के जमाने में गुनाह थे और एक एक गुनाह की वजह से उस कौम पे अजाब नादिल हुआ, मगर इस कौम में सारे एक साथ जमा है या नहीं है? अगर शराब की वजह से पहले अजाब नादिल हुआ तो इसमें शराबी भी हैं, अगर बुतों की इबादत करने की वजह से लोगों पे अजाब नादिल हुआ तो यहां बुत भी पूजे जा रहे हैं, अगर जादूगरी की वजह से लोगों को अजाब नादिल हुआ तो यहां जादूगर भी मौजूद हैं या नहीं है? अगर बदकारी की वजह से अजाब नाजिल हुआ तो कौम के ऊपर तो यहां बदकार भी हैं या नहीं है? अगर मां बाप का एहतराम ना करने की वजह से कभी कभी अजाब हुआ तो इस दौर में भी मां बाप को गालियां देने वाले हैं। तो जितने भी सारे नबियों के जमाने के गुनाह हैं वो इस जमाने में आज सब जमा हैं, और अगर मक्के में वो सारे गुनाह जमा ना होते तो इतना सुपर पावर नबी न भेजा जाता उनके दरमियान में। नहीं अभी तो तवज्जो नहीं दी आपने, यानी मूसा के जमाने का, ईसा के जमाने का, यहया के जमाने का, जकरिया के जमाने का, हर तरह का गुनाहगार मौजूद था नबी के जमाने में, तभी तो ऐसा नबी भेजा जो सबका सरदार था ताकि सारी बीमारियों को खत्म कर सके। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि मैं दलील देना चाहता हूं अपने इमाम के ऊपर। दलील क्या है? सूरह अनफाल आयत नंबर 32, ऐ मेरे नबी जब तक आप इस कौम के दरमियान में हैं अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करेगा। तो ठीक है, नबी के जमाने में एक से एक गुनाहगार था, उन पर अजाब नाजिल नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब तो नबी कब्र में जा चुके हैं, अब तो नबी दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, अब तो उनकी कब्र मुतहर बन चुकी है ही नहीं बन चुकी है, उनका रोजा मुबारक मौजूद है, सब जाते हैं जियारत करते हैं, तो ये बताइए अब अजाब नाजिल क्यों नहीं हो रहा है? और कुरान क्या कहता है? जब तक आप इस कौम के दरमियान में हैं, यानी आपका वजूद इस कौम के बीच में है, हम इसके ऊपर अजाब नाजिल नहीं करेंगे। अच्छा, अजाब नाजिल एक आदमी की बात नहीं हो रही है, यानी वो जो पहले अजाब नाजिल हुए हैं दूसरी कौमों के ऊपर, इज्तिमाई अजाब, कभी पत्थर आ गए, कभी जमीन में धस गए, कभी आग में जल गए, ऐसा अजाब, इज्तिमाई अजाब नाजिल नहीं हो सकता, वरना एक अजाब तो खुद नबी के जिंदगी में नाजिल हुआ है, वो एक आदमी पे अजाब की बात नहीं है, यानी पूरी कौम वलो चाहे जितनी गुनाहगार हो, लेकिन जब तक आपका वजूद मुबारक है हम इस कौम के ऊपर अजाब नाजिल नहीं करेंगे, वरना एक आदमी तो मैं आदमी पे तो मैं अजाब आपको दिखाई देता हूं, दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, बल्कि दो दुश्मनों के ऊपर अजाब नाजिल हुआ है और दोनों पे पत्थरों का हुआ है, काबे के मुकाबले में अब्रहा आया तो उस पे पत्थरों का अजाब नाजिल कराया, अली के मुकाबले पे हारिस आया तो अजाब नाजिल पत्थर का अजाब वो खुद आया। सुनिए अजीजों, खुद आया है हारिस, जब नबी ने ऐलान कर दिया, वाकया पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन आके कहता ये बताइए ये जो अपने भाई को आपने बना दिया हमारे ऊपर हाकिम, ये बताइए ये अपनी तरफ से या खुदा की तरफ से? कहा खुदा की तरफ से। कहा अगर ये खुदा की तरफ से है तो मुझ पे अजाब नाजिल हो। अभी जैसे ही उसने कहा था फौरन एक पत्थर आया उसके ऊपर गिरा और वहीं कभी ढेर हो गया। तो अब कुरान क्या कहता है? मेरे नबी जब तक आप इस कौम के दरमियान में हैं हम इन पे अजाब नाजिल नहीं करेंगे। तो वो कौम तो थी नहीं, वो तो एक आदमी था, और याद रखिए शायद आवाज़ कुदरत आए
मेरे नबी आपके वजूद का लिहाज जरूर करते अगर ये खुद ना मांगता। लेकिन क्या करें, ये तो खुद ही अली के बुग्ज़ में अजाब मांग रहा है। तो हम अली के नफरत करने वाले को ये हदिया जरूर पेश करेंगे। कहते पत्थर आया वहीं ढेर हो गया, खत्म हो गया, तो अजाब नादिल हुआ, लेकिन एक आदमी पर तो क्या सबने गदीर को मान लिया था? भाई इंसाफ से बताइए, क्या पूरे मुसलमानों ने उस दौर में गदीर को मान लिया था? क्या आज सब गदीर को मानते हैं, मगर अजाब नादिल क्यों नहीं हो रहा है? का चूंकि हम वादा कर चुके हैं जब तक इस कौम के दरमियान में आप हैं तो हम कौम के ऊपर अजाब नाजिल, तो चलिए जब तक नबी जिंदा थे अजाब नाजिल नहीं हुआ, लेकिन जब नबी चले गए तो अजाब का अली की वजह से नाजिल नहीं हुआ, काफिर हसन की वजह से नाजिल नहीं हुआ, तो चलिए ग्यारहवें तक सिलसिला आ गया, अजाब नाजिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि कौम के ऊपर अजाब नादिल न होना इस बात की दलील है कि कोई मोहम्मद का टुकड़ा भी है।